अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इमोशनल बिहेवियर, हिजानी किरदार। अपनी अपनी बुक से ये टॉपिक आप लोग खोल लें और बुक सामने रखें। चैप्टर नंबर हमारा जो है वो शख्स पर्सनैलिटी जो है वो हमारा एंड हो चुका है। ग्रूमिंग ऑफ पर्सनैलिटी हमने कल पढ़ा था, आज जो है वो इमोशनल बिहेवियर हिजानी किरदार नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो है वो हमारा हायर कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो एक चैप्टर रह जाएगा और ये इम्पोर्टेंट है। इमोशनल बिहेवियर और मोटिवेशनल बिहेवियर दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इमोशंस, इमोशनल बिहेवियर बेसिकली जो इमोशंस हैं, इमोशन से मुराद फर्द की वो हिजानी कैफियत है जिसमें अक्सर औकात फर्द मुख्तलिफ इमोशंस का इजहार करता है, जैसे कि खुशी, गमी, ठीक है, हंसी, खुशी, डर, खौफ, मुख्तलिफ चीज़ों का फर्ज जो है वो इजहार करता है। तो इमोशनल कैफियत जो होती है, जो हिजानी कैफियत होती है, फितरी तौर पर फर्द में मौजूद होती है और फर्द जो है वो मौका महल की मुनासबत से अपने हिजानात का इजहार करता है। कभी वो बहुत ही शिद्दत से उनका इजहार कर रहा होता है और कभी बहुत ही रूटीन वाइज जो है वो मामूली चीज़ों को भी देख रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सप्रेस कर रहा होता है और अपने इमोशंस को शो ऑफ कर रहा होता है। तो ये एक फितरी सी बात है, एक नेचुरल सी बात है, कुदरती सी बात है कि इंसान जो है वो अपनी इमोशनल हेल्थ से अपने आप को एंटरटेन कर रहा होता है और अपना कैथारसिस भी कर रहा होता है। देखें, जब हम रोते हैं, हंसते हैं, हम किसी से इंतकाम लेते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर होता है हमारा, या जब हम फरारियत डर जाते हैं या हम भाग जाते हैं या हम खौफ महसूस कर रहे होते हैं, तो सारी सूरत हाल में हम अपने आप का, अपना खुद का कैथारसिस कर रहे होते हैं। हम ऐसा करके खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं जब हम अपनी हिजानी कैफियत का इजहार कर देते हैं। जब हम रो लेते हैं या जब हम हंसते हैं तो हम खुद को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इंसानी किरदार और ख़ास तौर पर इंसान के हिजानी किरदार का मुताला करना बहुत ही मुश्किल और नाजुक मरहला है। मुश्किल मरहला क्यों है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में अगर हम हिजानी कैफियत का मुशाहिदा करते हैं तो हम एक पेचीदा किरदार है, इसलिए इसमें इंसानी किरदार का मुशाहिदा करते हुए इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सी, क्योंकि हम नहीं जानते, बाज़ लोग जो हैं वो अपने इमोशंस को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते जिस तरह से वो अपने अंदर तब्दीलियां महसूस कर रहे होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो भी इंटरनल चेंजेस आ रही होती हैं ड्यूरिंग इमोशंस, वो हम फील कर रहे होते हैं, वो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो जो भी चेंजिंग आ रही होती हैं, और वही हमारी थ्रू बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन उन्हीं चेंजिंग को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, उन्हीं चेंजिंग को महसूस किया जाता है। बेसिकली जो विलियम मैकडोगल के नज़दीक हिजान की दो अहम इकसाम हैं, खौफ का हिजान, ठीक है, और मोहब्बत, लव एंड फियर। उसने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। लव एंड फियर बेसिकली सारे हिजान यहाँ से पैदा हो रहे हैं। बच्चा पैदाइशी तौर पर दो या तीन हिजान को जानता होता है, बाकी वो अपनी सोशलाइजेशन में, अपने माशरे में रह के, अपने लोगों में रह के वो हिजान को सीख रहा होता है। और हिजान हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे होते हैं। हिजान में हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, जैसे जैसे हम उन मामलात में को देखते हैं, उन मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं, हम मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम हिजानी कैफियत को भी देख रहे होते हैं, उसका इजहार कर रहे होते हैं, चाहे वो हम थ्रू एटीट्यूड कर रहे होते हैं या हमारे जो जितने भी हमारे जो इंटरेक्शन के वे हैं उनमें हम इमोशनल एस्पेक्ट को ले के चलते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट के हवाले से आपको ये भी मैं बता दूं कि जो आपकी हेल्थ है उसमें जो फाइव एस्पेक्ट्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसा कि फिज़िकल है, मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, और इसी तरह से जो बेसिकली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और इमोशनल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें
इंसान की सेहत को देखते हुए जज करते हुए अगर देखा जाए तो उसमें जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फर्द किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, किस तरह से सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, सोसाइटी में वो कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है। तो सोशल एस्पेक्ट जो है वो कैसे चेक होता है जब आपका इमोशनल एस्पेक्ट उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो है वो इसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ इमोशंस रेफर टू द स्टेट ऑफ अरोजल। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स डिफाइन इमोशंस एज अ फिजिकल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय परसेप्शन। अकॉर्डिंग टू कांट इमोशंस आर लाइक अ फ्लड दैट ब्रेक्स डाउन इट्स बैरियर एंड स्वीप देम अलोंग। कि ये एक ऐसा सैलाब है जो अपने बैरियर्स या अपनी अपने जो रुकावटें हैं उनको तोड़ डालता है और सब कुछ बहा के ले जाता है, ठीक है। मैकडोगल इमोशंस एज इफेक्टिव स्पेक्ट ऑफ इंस्टिंक्ट्स। बेसिकली जो इमोशन है उसको हर फर्द ने अपने तौर पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया, लेकिन इमोशंस के की अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो एक ही है कि जो आपके अंदर जिस्मानी और जहनी तब्दीलियां रोनुमा कर रहा है। एक ऐसी कैफियत है जो मतलब कि आम रूटीन से इस तरह से हटके एक शिद्दत से आपके ऊपर तारी होती है। इमोशनल जो बिहेवियर है उसका उसका इजहार आप बहुत शिद्दत से कर रहे होते हैं और उसमें आपकी जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की कारकर्दगी जो है वो असरअंदाज हो रही होती है। दोनों तरह की तब्दीलियां जो हैं वो आप में आ रही होती हैं। फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन जो है वो नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि हिजनात की फिजियोलॉजी क्या हो सकती है, हिजनात कैसे मुतासिर करते हैं, किस तरह से हिजानी किरदार में आपका जहन और आपका जो जिस्मानी तब्दीलियां हैं वो किस तरह से हिजान के दौरान आपको मुतासिर कर रही होती हैं, वो आपकी फिजियोलॉजी कहलाएगी। लोग अपने हिजानी तजर्बे के नतीजे में जिस्मानी तब्दीलियों के दबाव के नाम से मौसूम करते हैं। हम सरशारी की कैफियत को गुलरंगी या लाली और शदीद गुस्से को कंपनियों की गर्मी के तौर पर बयान करते हैं। अक्सर लोग खौफजदगी के आलम में मैदे में ईचन और घबराहट को तोते उड़ना से ताबीर करते हैं। बयान की ये मिसालें एक आम आदमी के तजर्बे को जाहिर करती हैं। दर हकीकत हिजान के दौरान बेशुमार जिस्मानी और उजवियाती तब्दीलियां रूपजीर होती हैं जिनमें से चंद दर्ज ज़ेल हैं, ठीक है। अब जो जो तब्दीलियां आप खुद देखें ना, जब हम हिजानी कैफियत में होंगे, हम गुस्से में होंगे, हम खुशी में होंगे, अक्सर हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी या हम बहुत कम भूख लगेगी, या जैसे कि सांस की होगी, सांस फूल जाना, आंख की पुतली का फैल जाना, आंख की पुतली का सिकुड़ जाना, लबी हदूद, ठीक है। इसके अलावा मसल्स फटीग, इसके अलावा आपका जो इंटरनल एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है वो किस तरह से एक्टिव हो जाता है हिजान के दौरान। इमोशंस इज अ स्टेट इन विच फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्गली स्टिमुलेटेड इन द इंडिविजुअल बिहेवियर डेविएट्स फ्रॉम द यूजुअल कोर्स। स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट फिजिकल चेंज अकर्स अंडर द फॉलोइंग थ्री सिस्टम: ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एड्रीनल ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। जो बेसिकली आपका जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं हिजान के दौरान, मुख्तलिफ तरीकों से रूनुमा हो रही होती हैं। फर्ज जो है बाज माहरीन के नज़दीक बाज फिजिकल चेंज जो हैं वो और मेंटल चेंज एक साथ आ रहे होते हैं। ड्यूरिंग इमोशंस हम खुशी का इजहार जब कर रहे होते हैं, खुशी से हमारी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, या हम गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं तो हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो इस तरह से हम डर और खौफ का हिजान अगर महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी हमें पसीना आ रहा है, हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही है। तो उसमें आपकी जो इंटरनल चेंजेस हैं वो भी आ रहे होते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। हार्मोन्स की जो सेक्रीशन है वो हो रही होती है, ग्लैंड्स की सेक्रीशन हो रही होती है, और आपका जो पूरा निज़ाम है वो इससे मुतासिर हो रहा होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हिजान पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। एड्रीनल ग्लैंड इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, लिम्बिक सिस्टम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हिजानी कैफियत को प्रेजेंट करने के हवाले से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से अपनी जो फिजियोलॉजी है उसको भी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इमोशंस के दौरान उसको मुतासिर कर रही हैं। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोनॉमिक में। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम
खुद इख्तियारी निज़ाम जो है वो खुद इख्तियारी निज़ाम के दो बेसिकली सिस्टम होते हैं, सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हिजानी कैफियत के दौरान जो है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होके अपने अपना फाल फंक्शन प्ले करता है। हिजानी कैफियत के दौरान सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा होता है, ऐसी सूरत हाल में वो बॉडी को वो इनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है जो उस मौका पर उस फर्द को चाहिए होती है। दिस सिस्टम इज लोकेटेड इन आई, लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड लीवर। व्हेन ड्यूरिंग इमोशंस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी नीड मोर और लेस एनर्जी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इमोशन। इट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंश्योरिंग इट्स सप्लाई टू वेरियस बॉडीली पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मतलब कि हमारे जिन पार्ट्स को उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग इमोशंस, हमारे बॉडीली पार्ट्स को किस तरह से एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसको देख रहे होते हैं और हमारे उसी बॉडी के पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला के एक ऐसा निज़ाम है, ऐसा सिस्टम है जो आम रूटीन में उस एनर्जी को सेव कर रहा होता है, उस एनर्जी को जो है वो आम रूटीन में महफूज कर रहा होता है, और वक्त पड़ने पर हमें उस एनर्जी की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एक खातून जो इतना कभी उसने भारी भरकम काम नहीं किया होता, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत ही वजनी गाड़ी को भी उठा लेगी, ठीक है, वो मोटर बाइक को भी उठा लेगी, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि इसकी वजह से ये डेंजरस कोई काम होने जा रहा है, तो वो काम भी कर जाएगी। और बाद में वो सोचेगी कि ये मैंने कैसे कर लिया, तो वो उसका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो उस वक्त उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है जब फर्ज जो है वो किसी भी हिजानी कैफियत का शिकार होता है। उसके बाद आ जाता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो जब हिजानी या हंगामी सूरत हाल में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसके ऊपर काम कर रहा होता है, उसको बहुत एक्टिव कर देता है। उस वक्त जो उसकी इंटरनल ड्यूरिंग इमोशंस, उसकी सारी जो सिचुएशन होती है उसको बहुत ज़्यादा फॉल कर देता है, फास्ट कर देता है, और वो हंगामी सूरत हाल में अपने आप को इमोशनल स्टेट पे ले जाके अपने आप को उस कैफियत से बाहर निकाल लेता है। तो उसका जो वो फिर अपने आप का अपना पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब वो हंगामी हालात से निमट लेता है तो उसका वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फॉल हो जाता है। अंडर दिस सिस्टम ऑल बॉडी पार्ट्स स्लो डाउन, द हार्ट बीट स्लो डाउन, द रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट फंक्शनिंग नॉर्मली, द मोमेंट ऑफ स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बिगन्स फंक्शनिंग। मतलब कि जब आप ड्यूरिंग इमोशंस अपने आप को एक देखते हैं, आपका मैदा सुकड़ गया, आपको भूख नहीं लग रही, आपको सांस नॉर्मल तरीके से नहीं आ रही, हार्ट बीट आपकी बहुत तेज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ों को पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है और उनको स्लो डाउन करता है और फर्द को नॉर्मल रूटीन की तरफ लेके आता है, नॉर्मल सूरत हाल में लेकर आता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो सूरत हाल जो है वो चल रही होती है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी वर्क करना स्टार्ट कर देता है, स्टमक उसका वर्क करना स्टार्ट कर देता है, उसका जो सांस की एक तेज़ रफ्तार होती है वो उसको नॉर्मल कर देता है। मतलब कि वो सारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, नॉर्मल सिचुएशन में ले आता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो इसी तरह से हंगामी सूरत हाल में फर्द को वो इनर्जी प्रोवाइड करेगा जिसकी उसको उस वक्त जरूरत होगी, और स्पेशल उसका जो स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन होगा जिसको एनर्जी की जरूरत होगी वो उसकी तरफ जो है वो एनर्जी को सप्लाई करेगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हंगामी सूरत हाल से निमटने के बाद, उस सूरत हाल से निमटने के बाद दोबारा से फर्द को जो है वो कूल डाउन कर देगा, खुद को नॉर्मल सिचुएशन में ले आएगा। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जी लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो हिजानी कैफियत के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एलिमेंट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें फर्द का जो लिम्बिक पार्ट है आपके ब्रेन का, वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हिजानी
या फेथ के हवाले से, यूं तो हमारा होल ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन ही फंक्शनिंग कर रहा होता है, आपकी आपके जितने भी माइंड फंक्शंस हैं उनके हवाले से, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो परसेप्शन है, चाहे वो लर्निंग है, चाहे वो मतलब के होल फंक्शनिंग जो उसकी होती है पूरी, जो उसको वो कवर कर रहा होता है। और असल में जो हमारी माइंड स्टडी है उसमें हमारे पूरे माइंड के फंक्शन मिलके कनेक्शन आपस में कायम करके उस चीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन स्पेशल स्पेसिफिक जो इसका एक ही पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, वो हिजानी कैफियत के हवाले से बहुत अहम काम कर रहा होता है। द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन दैट इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज हिप्पोकैम्पस दैट हेल्प्स टू कैरी आउट मेमोरी। द सेकंड पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम अमाइगडाला, जो इसका पहला हिस्सा है वो हिप्पोकैम्पस है और दूसरा जो है वो अमाइगडाला है। इट्स सेड टू बी रिलेटेड टू द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। अमाइगडाला जो है वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है इमोशंस के हवाले से, हिजानी कैफियत के हवाले से। अगर माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक अगर हम अमाइगडाला को रिमूव कर देते हैं तो या तो इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशंस को का इजहार करने लगता है या वो इमोशंस बिल्कुल ही उसके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि दोनों कैफियत का वो शिकार हो सकता है। अमाइगडाला जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इमोशंस के हवाले से, हिजानी कैफियत को कंट्रोल करने के हवाले से और हिजानी कैफियत को लेके चलता है, मतलब कि उसको बहाल भी करता है, उसको नॉर्मल करता है। इसी तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो डिफरेंट जेम्स लैंगे कैनन बॉर्ड और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किए, उन्होंने ये चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने तजर्बों से इस चीज़ की वजाहत की कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो हिजानी कैफियत के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो उसके हवाले से अगर इमोशंस एंड द ब्रेन स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम देखते हैं कि रोल ऑफ ब्रेन्स इन इमोशंस, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आ रहा है वो लिम्बिक सिस्टम ही है। खुद इख्तियारी निज़ाम असबी हिजान के दौरान उज़्वियाती तब्दीलियों को तेज़ करता है। खुद इख्तियारी निज़ाम असबी और दिमाग में बाहमी रब्त पाया जाता है। दिमाग में ख़ासतौर पर हाइपोथैलेमस या ज़ेरी अर्शा और लिम्बिक सिस्टम के कुछ हिस्से गुस्सा खौफ और जारियत के हिजानी रद्देअमाल में काम करते हैं, मतलब कि हाइपोथैलेमस और ज़ेरी अर्शा जिसको कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम, इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। इंसानों में गैर मामूली हिजानी किरदार लिम्बिक सिस्टम में खराबी के बायस पैदा होता है। गैर मामूली हिजानी किरदार क्या हो सकता है कि फ़र्द उस तरह से जिस तरह से वो नॉर्मल रूटीन में हिजान का इजहार कर रहा होता है उस तरह से वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, उसमें इसकी वजह क्या होती है कि लिम्बिक सिस्टम में खराबी जो है वो इसकी वजह हो सकती है कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये खराबी पैदाइश के दौरान या पैदाइश के फौरी बाद भी हो सकती है। इसके बहुत से असबाब बशमूल इन बीमारियों के हो सकते हैं जो दिमाग पर असरअंदाज होती हैं। ऐसी खराबियां दवाओं के गलत इस्तेमाल, खेलों में चोटों के लगने या बंदूक की गोली के जख्मों की वजह से भी हो सकते हैं, मतलब कोई हेड इंजरी हो जाए या कोई ऐसा सदमा जो फर्द को पहुंचा हो या कोई ऐसा डिसऑर्डर, ऐसी कोई बीमारी जो फर्द को जिसका फर्द शिकार हुआ हो अपने माजी में, कोई ऐसा सदमा हो सकता है, कोई ऐसी हेड इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से उसको जो है उसके लिम्बिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा और उसकी वजह से उसकी फालियत में फर्क आ गया हो, या तो उसकी उसका फंक्शन बहुत एक्टिव हो गया हो और या तो उसका फंक्शन बहुत ही स्लो हो गया हो। तो लिम्बिक सिस्टम का इसके हवाले से बहुत अहम किरदार है कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो जब अगर हम डिसऑर्डर्स के हवाले से लिम्बिक सिस्टम को देखते हैं तो इसके हवाले से भी एक दो तहकीकात हुई हैं कि जब फर्द नेगेटिव थॉट को लेता है बहुत ज़्यादा इमोशनली इंतकाम या गुस्सा या फियर, इस तरह के अपने जज्बात बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखता है, अपने एक्सप्रेशंस के जरिए से उनका इजहार कर रहा होता है और इसी हसद सबसे चीज जेलेसी, तो इन्हीं ये फैक्टर्स जो हैं वो उसके लिम्बिक सिस्टम में खराबी पैदा कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ उसके माइंड फंक्शन को भी मुतासिर कर रहे होते हैं। तो
ये मनफी एहसास जो हैं, ये जो किसी भी शय के हवाले से हो सकते हैं, उसके लिम्बिक सिस्टम पे इस तरह से असरअंदाज होते हैं और उसके माइंड के फंक्शन को इस हद तक खराब कर देते हैं, या तो हिजानात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और या हिजानात बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो हिजानी कैफियत के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस हिजानी कैफियत के हवाले से एड्रीनल ग्लैंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम देखते हैं कि ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये गोश्त की एक किरासी होती है, लेकिन इन इनसे जो हार्मोन्स खारिज होते हैं, सेक्रीशन होती है, वो बराह रास्त खून की नालियों में शामिल हो जाते हैं और फर्द की कारकर्दगी के हवाले से फाल किरदार अदा करते हैं। अगर ये ठीक तरह से अपनी रतूबत को खारिज नहीं करते तो फर्द की जो एक नॉर्मल कैफियत है उसमें वो इम्बेलेंस हो जाती है, उसके जो फंक्शन हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की खराबी की वजह से वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो अखराजी होते हैं और कुछ द्रू अफराजी होते हैं। अखराजी गदूद या हार्मोन्स वो होते हैं जो जिनकी सेक्रीशन बाहर की तरफ होती है, जैसे कान सुलाने के गदूद हैं, लाबे दहन के गदूद हैं, थूक के गदूद हैं, जैसा कि पसीना लाने के गदूद हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अंदरूनी गदूद की, एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में पेच्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल, पैंक्रियाज, ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, गोनेड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो इनसे ह्यूमन बॉडी को मुतासिर कर रहे होते हैं। और मुख्तलिफ जितनी भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं या हमारी बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ के हवाले से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर इन ग्लैंड्स में किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस आ जाए या ये ग्लैंड्स ठीक तरह से काम ना कर सकें, तो फिर वो जो एक ऐसी सूरत हाल सामने आती है जिसमें फर्द जो है वो एक डिसऑर्डर या एक बीमारी या इमोशनल इम्बेलेंस या पर्सनैलिटी का इम्बेलेंस हो जाना, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आती हैं। तो ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। हार्मोन्स की प्रॉपर सेक्रेशन के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आपका जो मूड है वो बहुत खुशगवार हो, आपकी डाइट बहुत अच्छी हो, तो ये ग्लैंड्स जो हैं ये भी अपना अपनी जो सेक्रीशन है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। ग्लैंड्स के हवाले से जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ये इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। दी एड्रीनल ग्लैंड एंड दी एएनएस सिस्टम काज फिजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस, दे आर टू इन नंबर एंड आर लोकेटेड अबव बोथ किडनीज। मतलब कि ये अगर देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं, इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ये पाए जाते हैं दोनों किडनीज के ऊपर, ठीक है। और द एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। ये दो इसकी टाइप हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो है वो इसकी टाइप्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और एड्रीनल मेड्यूला सिक्रेट्स टू टाइप ऑफ हार्मोन, दो तरह के हार्मोन को खारिज करता है, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन यूं ही काम कर रहे होते हैं इमोशंस को एक्टिव करने के हवाले से और इमोशंस के को नॉर्मल और इम्बेलेंस होने से बचाने के हवाले से काम कर रहे होते हैं, जिस तरह से सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा काम कर रहा होता है। सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक के कैसे मेजर बेसिक पार्ट्स हैं कि वो जब कंडीशन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जब इमोशनल कंडीशन जो है वो बहुत ही पीक पर होती है, फर्द अपने जज्बात को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता है या वो किसी भी चीज़ को या किसी भी बैरियर को या किसी भी हर्डल्स को वो नहीं मानता और उनको क्रॉस कर जाता है, तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम उसको उस सूरत हाल से निमटने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बाद में उसी सारे सिस्टम को स्लो डाउन कर रहा होता है। एड्रेनालाइन ग्लैंड्स जो होते हैं, जब फर्द
हंगामी सूरत हाल से निमड़ने की कोशिश करता है तो उसके एड्रेनालाइन, उसका जो एड्रेनालाइन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, टांगे कांपने लगती हैं, जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। मुख्तलिफ जो हिजानात की फिजियोलॉजी को अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें, जैसे आँख की पुतली का फैल जाना, आँख की पुतली का सिकुड़ जाना, नब्ज़ का तेज तेज चलना, पसीना आना, खौफ ज़दा होना, ठंडे पसीने आना, ठीक है, तो फर्द मुख्तलिफ कैफियत को महसूस कर रहा होता है। बाज़ औक़ात उसको लग रहा होता है कि हिजानी कैफियत की वजह से ऐसा हो रहा है, और बाज़ औक़ात उसको लग रहा होता है कि कुछ बॉडीली चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये सिस्टम जैसे ही फॉल होता है तो ये इन एड्रेनल ग्लैंड जो हैं वो अपनी सेक्रीशन, उनके हारमोन की सेक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, जो बराह रास्त खून की नालियों में शामिल होकर हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने में मदद कर रहे होते हैं। नॉर एड्रेनालाइन ग्लैंड्स जो होते हैं, एड्रेनालाइन ग्लैंड्स जब हंगामी सूरत हाल से निमट लेते हैं तो उसके बाद जो है वो नॉर एड्रेनालाइन ग्लैंड्स जो हैं वो फाल हो जाते हैं और अपना बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। वो फर्द को बचाव की कैफियत की तरफ लेकर जाते हैं, फरारियत की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे माहौल से बहुत दूर ले जाते हैं, बहुत ही पीसफुल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, बहुत ही पुरसकून जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए फर्द अपने आप को बहुत ही पुरसकून महसूस कर रहा होता है, बहुत ही कंफर्टेबल माहौल उसको लग रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में उसकी जो हार्ट बीट है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है, उसका पसीना भी कम होने लगता है, उसको लगता है कि मेरी जो नब्ज है वो बहुत तेज तेज चल रही थी वो भी ठीक हो रही है, मेरी आंखों से पानी आ रहा था, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गया था, और उसको जितनी भी ग्लैमेनिक स्किन रिस्पॉन्स, जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं फर्द में, वो सारी की सारी जो हैं वो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। ये इसी तरह से वर्क कर रहे होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के दोनों पार्ट्स, जैसा कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से। नॉन एड्रेनालाइन ग्लैंड्स जो हैं जब फर्द की उस एनर्जी को बहाल करने की कोशिश करते हैं जो एनर्जी उसने पहले से इस्तेमाल की होती है, पहले से जिस चीज़ जो एनर्जी को उसने सारी एनर्जी को इस्तेमाल किया होता है वो दोबारा से उसकी उस एनर्जी को बहाल करते हैं और फर्द को उस कैफियत की तरफ लेके जाते हैं ताकि वो अपने आप को उसमें से निकाल सके। इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस ऑन द बॉडी पार्ट किस तरह से इसको मुतासिर कर रहे होते हैं, खुद इख्तियारी निज़ाम असबी और जिस्म के अंदरूनी निज़ाम और फाल को शौरी कंट्रोल के बगैर बाकायदा बनाती है, और ये दोनों हिस्से जो हैं ये सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक इसको कंट्रोल करते हैं। ब्लड शुगर, दिल की धड़कन, खून के दबाव, बीपी का हाई हो जाना, लो हो जाना, हाजमा के अमल, इस सारे सिस्टम को देखते हैं, कुव्वत और तवानाई के ज़खीरे को ये बढ़ाते हैं ताकि जो पूरा सिस्टम है ये फाल हो सके। तो इसमें जो हाजमा है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमा या तो रुक जाता है चूंकि खून की बारीक रगें जो मेदे और आंतों की तरफ जाती हैं सिकुड़ जाती हैं, और इसी वक्त बड़े उजलात की तरफ जाने वाली रगें फैल जाती हैं, इससे खून में आने वाली ऑक्सीजन और गजाई ताकत का रुख जिस्म के उन हिस्सों की तरफ मुड़ जाता है जहाँ मुकाबला या फरार की जरूरत होती है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं होता कि मुझे क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, बल्कि हम ये देख रहे होते हैं कि हमें अब इस सूरत हाल से निमटने के लिए अपनी बॉडी की सारी एनर्जी किस तरह से यहाँ पर जो है वो उसको यूटिलाइज करना चाहिए और हमें अपने आप को इस हंगामी सूरत हाल से निकालना चाहिए। तो वो जो हाजमे का अमल का रुक जाना या मेदे का सिकुड़ जाना, मेदे की दीवारों का सिकुड़ जाना, वो इसी तरह से है आंतों का सिकुड़ जाना, क्योंकि फर्द का सारी एनर्जी जो है वो उसके उस वक्त उन हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के काम आ रही होती है जो उस वक्त फाल होते हैं। उसके बाद पैंक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड, लबलबा या पैंक्रियाज ग्लूकोजन हार्मोन को खारिज करके जिगर को मुतहरिक करते हैं जो जखीरा शुदा शुगर को खून में गर्दिश के लिए भेजते हैं। शुगर
उज़विया के उज़लात को फालतू तवानाई फ्राहम करती है, एड्रीनल ग्लैंड या कजरा गदूद जो है नॉर एपिनेफ्राइन हार्मोन खारिज करते हैं। अपनी नॉर एपिनेफ्राइन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की तहरीक से बहुत सी जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, मतलब कि किस तरह से वो पैंक्रियाज एंड एड्रीनल ग्लैंड जो हैं वो अपने हार्मोन को खारिज करके हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। वो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को इम्बेलेंस कर देते हैं, लेकिन बाद में वो इसको नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद है तनफ्फुस, निज़ाम तनफ्फुस जो है वो किस तरह से मुतासिर होता है। जैसा कि हमारी सांस गहरी और तेज़ हो जाती है, आपको भी पता है कि जब हम हंगामी सूरत हाल से अपने आप को निमटने के लिए तैयार करते हैं तो उसमें हमारी सांस जो है वो ऐसे लगता है कि हमारी सांस जो है वो उखड़ रही है या बहुत गहरी हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है, सांस हमारी बहुत ही तेज़ी से चल रही है। हम बात के दौरान अक्सर हमें लग रहा होता है कि हम ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहे। जानी सूरत हाल में जो हवा हमारी सांस गहरी और तेज होती है, हवाई नालियां फैल जाती हैं, इन तब्दीलियों से खून में ऑक्सीजन की फ्राहमी ज्यादा हो जाती है। हम जानते हैं कि जिस्मानी उजलात की शुगर को जलाने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसके बाद है हार्ट बीट, दिल की धड़कन। दिल की धड़कन किस तरह से इसमें अहम किरदार अदा कर रही होती है कि हिजाम के दौरान दिल धड़कने की रफ्तार बाजू का दुगनी हो जाती है, इससे भी ज्यादा हो जाती है। इससे खून की गर्दिश तेज हो जाती है और उजलात को ऑक्सीजन की फ्राहमी तेज हो जाती है। दिल की धड़कन खसूसन खौफ और गुस्सा खुशी के दौरान ज्यादा तेज हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है आंख की पुतली। आंख की पुतली जो है वो हिजानी कैफियत के हवाले से आंख की पुतली का फैल जाना या उसका सुकड़ जाना बहुत ही अहमियत रखता है। खौफ की हालत में आंख की पुतली फैल जाती है जब हम खौफ महसूस कर रहे होते हैं, और अक्सर हैरत की जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से या हंगामी सूरत हवाले से जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत हैरानगी से देखते हैं तो आंख की पुतली जो है वो फैल जाती है, बसरी हिस्स तेज़ हो जाती है, लेकिन गमी और नफरत की हालत में आंख की पुतली सुकड़ जाती है। मतलब जब हम गम या उदासी या परेशानी महसूस करते हैं तो सुकड़ जाती है। ये हालत खसूसन हैरानी खौफ और गम के जान के दौरान होती है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लाबी गदूद। लाबी गदूद जो है वो एक तरफ लावे दहन के गदूद काम करना छोड़ देते हैं, हल्क खुश्क हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, दूसरी तरफ तनफ्फुस के गदूद ज्यादा तेज रफ्तारी से काम करने लगते हैं, मतलब कि सांस जो है वो तेज तेज आने लगती है। इससे इजाफी तवानाई के खराज से पैदा शुदा हरारत को ठंडा करने के हवाले से पसीना फूट पड़ता है। गुस्सा लड़ाई और गम के मौका पर यह गदूद और भी तेजी से काम करते हैं। लावे दहन जो है या थूक के हदूद जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, खुश्क हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? उजलाती खिंचाव, उजलाती जिसको आप कह सकते हैं मसल्स फटीग, इमोशनल कैफियत में हमारे जो उजलात हैं उनमें अकड़ाव पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम फटीग महसूस कर रहे होते हैं। हालांकि अगर हम देखा जाए तो हम बाजू का जिस्मानी काम नहीं कर रहे होते, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते, उसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा अपने उजलात में खिंचाव और तनाव महसूस कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो अकड़ गए हैं, फिजिकली हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि हम ज़हनी तौर पर किसी भी दबाव का या किसी भी तरह से इमोशंस का शिकार होते हैं। जिल्द के निचले उजलात में तनाव या खिंचाव महसूस होने लगता है। उजलात के सुकड़ने से जिल्द के ऊपर के बाल खड़े हो जाते हैं और बालों के खड़े होने से खतरे का पता चलता है। हमारी कमर ऊंट के कोहान की तरह ऊपर को सख्त हो जाती है। इसके अलावा जो कुछ ये चेंजिंग है, और इसके अलावा अगर कुछ हम कह सकते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हिजानी कैफियत में, तो वो यही हो सकते हैं कि जब फर्द की जो हिजानी कैफियत जब उस पर तारी होती है तो उसकी वो अपने आप को बहुत एक्टिव और फाल कर लेता है, तो उसका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बहुत फाल हो जाने की वजह से वो ऐसे काम भी सर अंजाम देने लगता है कि जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। उसको लगता है कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गई है और मैं भारी से भारी काम भी कर सकता हूँ, और उसको ये भी महसूस होने लगता है कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को वो फील कर रहा होता है कि मुझ में वाफर तवानाई आ चुकी है। तो ये टॉपिक यहाँ पर आज हमारा कंप्लीट होता है। इससे मुतलका अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।